दुमका के इंडोर स्टेडियम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सेवा सह सशक्तिकरण कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय झारखंड के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी उपस्थित थे। पारंपरिक रीति रिवाज से लोटा पानी से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों को पौधा देकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की गई। इस अवसर पर उच्च न्यायालय झारखंड के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने यह निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म तिथि से 14 नवंबर 2021 तक गांव तथा शहर में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग जो आज भी न्यायिक जागरूकता से दूर हैं, उनके पास पहुंचकर उनके दुख कष्ट को दूर किया जा सके। न्यायिक सेवा तथा न्यायिक जागरूकता निरंतर कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण कई बार जागरूकता के अभाव में यहां के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं तथा कानून की जानकारी दी जाती है। साथ ही कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दुमका से अगस्त सिंह हेमराम की रिपोर्ट।